लगेज पूरा माउंट हो चुका है बाइक्स पे और सब गेयर्ड अप हो चुके हैं। बस राइड स्टार्ट करते हैं पेंगोंग के लिए। दोस्तों यहाँ जो हम खड़े थे उसका नाम है हैप्पी डे गेस्ट हाउस एंड गार्डन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट तो यहाँ नहीं, तो आपको रूम्स और टेंट जो भी मिल जाएंगे वहाँ हो गए पूरी उल्टू बर्फबारी। और आप अगर यहाँ से आएंगे तो ये रास्ते में पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। अभी हम हैं डिस्ट्रिक्ट के रास्ते पर, डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं और एक अच्छी खबर है कि सूरज देवता प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब मौसम खुल जाएगा और ज़्यादा कोई दिक्कतें आएंगी नहीं। 3 बजे से बारिश हो रही थी रात को और हमें लगा था कि सुबह पॉसिबल नहीं हो पाएगा निकलना, पर सूरज देवता आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं तो मज़े आएंगे। तो वहाँ देखिए दोस्तों, तो बर्फ़ की चोटी पर जो धूप पड़ रही है तो खिल के दिख रही है इसमें। बिस्किट है 3 किलोमीटर यहाँ से, तो चलिए बिस्किट पहुँचते हैं और टैंकफुल करवाते हैं। मुर्गी सिकली प्रगति झाली, हमारी टंकियां हैं खाली। यहां से भरेंगे अखिलेश का पेट, फिर भरेंगे अपना पेट। फ्रेश स्नो देख के मजा आ गई कसम से, एकदम काश ये स्नोफॉल जहाँ पे हम लोग थे वहां पे भी हो गई होती। तो पेट्रोल है यहाँ कितना, 104 रुपए, 104 रुपये है भैया यहाँ पे। देखिए सामने जो पहाड़ है ये पूरी अभी फ्रेश स्नो गिरी हुई है, कल यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये एकदम सूखे थे पहाड़, स्नो वगैरह कुछ नहीं थी। और आज आप देखेंगे तो ये पूरी फ्रेश स्नो पहाड़ों के ऊपर है लाइन से, क्या बात है दोस्तों। थोड़ी सी ज़मीन पे भी गिर जाती तो मज़ा आ जाता, हम भी ऐसे हाथ में ले लेते स्नो को। देखिए क्या सुंदर लग रहा है नज़ारा। वहाँ गए थे हम कल बुद्धा जी के स्टैचू पे, और पेंगोंग जाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट के थ्रू होके जाना पड़ेगा, तो बुद्धा जी की ब्लेसिंग लेते हैं और कहते हैं जय माता दी, लेट्स रॉक। जो पानी पड़ा था यहाँ वो रिफ्लेक्शन मार रहा है, रेत भी उड़ के आ चुकी है और गीली हो रही है, तो थोड़ा सा समझ के चलाना होगा, अदरवाइज गिरने के चांसेस बन सकते हैं। ये चालू हुआ है असली एडवेंचर दोस्तों, तो जो वाटर क्रॉसिंग्स है ना उनमें बहुत ही ज़्यादा संभाल के चलना पड़ता है। नज़र हटी घटना घटी। पानी के प्रवाह के साथ में खुद को चलने दें, पानी के बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। पर देखिए पहाड़ पर किस तरह के बादल हैं, और वहाँ सामने बहुत ही भयंकर काले बादल हैं। यहाँ भी बस डर हमें इस बात का है कि कहीं क्लाउड बर्स्ट ना हो जाए, और अगर क्लाउड बर्स्ट हो गया तो भाई साहब लग जाने पूरी तरह वाले। शक्ति के लिए राइट जाना है यहाँ से, लेह के लिए राइट जाना है, शक्ति के लिए राइट जाना है, और पेंगोंग के लिए यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है, अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आप राइट में इसका लेह पहुँच जाएंगे।
तो पेंगोंग के लिए सीधा। शोक 45 किलोमीटर है, दुर्बुक 63 किलोमीटर है। टेंट लगे हुए हैं यहाँ। पेंगोंग लेक सीधा। ये हमारा फर्स्ट ब्रेक है पेंगोंग के रास्ते पर। शोक अभी 35 किलोमीटर्स और दूर है और फिलहाल हम रुके हैं एक बहुत ही प्यारा व्यू एंजॉय करने के लिए जो कि है शोक रिवर का। तो चलिए आपको दिखाते हैं शोक रिवर के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और वहाँ पर चल रही है भयंकर मस्ती। ये चमगादड़ शोक रिवर। हाँ लिया था 10 मिनट का ब्रेक शोक रिवर में और कंटिन्यू कर रहा है अपनी राइड को। अभी तक तो रास्ते थोड़े बहुत ठीक थे पर आगे शायद 50 किलोमीटर का पैच है जो कंप्लीट ऑफ रोड है। यहाँ थोड़ी बहुत सड़क मिल रही है, थोड़ा बहुत ऑफ रोड है पर देखते हैं आगे। चलिए ये आयरन ब्रिज आ गया है। आयरन ब्रिज आयरन ब्रिज। दोस्तों का रास्ता ऐसा ही है, बहुत ज्यादा मेहनत करके जाना पड़ता है। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपने घर बैठे बैठे एंजॉय कर सके, फील ले सके। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। कुछ इस तरह का है ये रास्ता। आपको जो है पुरानी कई भी गाड़ियों की टायर की ट्रेस फॉलो करनी पड़ती है, अदरवाइज आप भटक सकते हैं अपने रास्ते से। तो हम भी वही कर रहे हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ यहाँ से गई हैं उनकी टायर की ट्रेस को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। वाजी वाह भाई, वाजी वाह। यहाँ पर है पूरा पानी और पानी में भीगेगी हमारी जगह। निकल गए, निकल गए भैया, निकल गए। अब देखें ये रास्ता जा रहा है, ये देखिए जो रास्ता जा रहा है वैसे जा रहा था पर हम वो वाली ट्रेल फॉलो करते हुए आए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी फिसलन वगैरह ज़्यादा थी इसलिए हमने वो ट्रेल फॉलो करी और बीच में सब कुछ गायब हो गया था कि ये पत्थर जो लुढ़कते हुए आते हैं उसकी वजह से। ऊपर शानदार बादल और हम आपके लिए इन शानदार से रास्तों पर। चलिए थोड़ा बहुत अच्छा पैच आया है, चलते हैं फटाफट। तो देखिए दोस्तों ये दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में क्योंकि एरिया छोटा है। और ये नदी देखिए बहुत ही खूबसूरत। रोड इल्ले
हिल ले। ये है शोक विलेज SHYOK। शोक विलेज क्रॉस करते हुए हम लोग, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ पर घास की, माउंटेन्स की, मिट्टी की। तो भाई लोग हम जा रहे थे और यहाँ पे इस हिमालयन का टायर पंचर हुआ है और इसे खोल के बनवाने के लिए डोरबुक लेके जाएंगे। आपकी है? हमारी है। भाई आपका नाम? मिलन वागानी। कहाँ से? सूरत से है, गुजरात। सूरत से है। प्रो भाई से सूरत। तो अभी यहाँ पर मनोज खोल रहा है टायर। तो दोस्तों ये होता है बाइकिंग ब्रदरहुड कि एक को अगर तकलीफ हो तो सारे उसकी मदद के लिए जुट जाते हैं। देखा आपने इस सुनसान पथरी रास्तों पर जहाँ कोई आदमी नहीं मिलता, वहाँ ट्रैवलर्स बाइकर्स ही एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये जो उतार है यहाँ पर, तो भैया ब्रेक भी काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। तो मतलब अगर यहाँ खुदा ना खास्ता ब्रेक के साथ कुछ हादसा हो गया, आप जाएंगे सीधा ऊपर। जी हाँ, नीचे जाके ऊपर। वाट लागली, वाट लागली। भाई साहब रोड किधर है? हम तो बस टायरों के निशानों के पीछे चल रहे हैं। लगे हुए लाइन पे परमिट लेने के लिए। और ये भाई अपना आया है हिसार से, इसका जो चेंज पॉकेट है वो खराब हो गया है। पाटिल गैरेज पे आई है एक और गाड़ी, R15 के बाद पाटिल गैरेज पे आई है हिमालयन। तो मस्ती मजाक के बीच तो मस्ती मजाक के साथ चल रहे हैं हम सब लोग। नए नए लोग मिलते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है। दुर्भुख से हम निकल चुके हैं अपना परमिट चेक करवा के और आज लुकुम के रास्ते में हैं। ये वाले माउंटेन्स देखे दोस्तों, इतने प्यारे लग रहे हैं। सैंड है, उसके ऊपर रॉक्स हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर चलाइएगा गाड़ी यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो। ये जो सैंड उड़ती है वो सड़क पर आ जाती है और उसकी वजह से कभी आपकी स्पीड एकदम ज़्यादा हो, मेंटेन ना हो पाए, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है और आप गिर सकते हैं। पहुँच चुके हैं पेंगोंग लेक। वो देखिए, वो वहाँ पे दिख रही है आपको। नज़ारे देखो, प्यारे प्यारे देखो, शानदार दोस्तों, शानदार। पहुंच गए हम पेंगोंग।
पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक, और पेंगोंग लेक में आए हैं हम थ्री इडियट्स वाले पॉइंट पे, जहाँ पे थ्री इडियट्स मूवी शूट हुई थी। एक्चुअल थ्री इडियट्स का जो पॉइंट है वो आपको थोड़ा अंदर आके मिलेगा, पर लोगों ने क्या करा, कैंपिंग वगैरह बाहर ही कर दी है, तो मोस्टली लोग बाहर ही रुक जाते हैं, उनको लगता है कि कैंप बाहर ही है, पॉइंट बाहर ही है। देते हैं आपको यहाँ का एक सिनेमैटिक व्यू। दोस्तों हम आए थे पेंगोंग, खूबसूरत सी पेंगोंग लेक पर, जहाँ पर उसी एरिया में जहाँ पर थ्री इडियट शूट हुई थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, हमें मिले हैं फुनसुंग वांगडू। सर कैसे हैं आप? सर अरे सर सब कुछ लेंगे हम बैक। सर आपकी फिल्म देखी सर हमने, मजा आ गया सर, सीरियसली मजाक कर रहा हूँ, ये हमारे प्रशांत भाई है। रिटायर था या फंड फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे प्रशांत भाई कर रहे थे ना, सेम ऐसा लग रहा था। क्या फुनसुंग वांगडू कौन सी फोटो वाले भैया, बीच में से पकड़ो यहाँ से, इसको फोल्ड करो। ये दो तीन लाख का कैमरा गिरा मत देना। सर आप आ रहे हैं? अरे आप भी आ रहे हैं, मुस्कुराइए आप पेंगोंग में। ये है वो पैच, यहाँ से आमिर खान ने प्लेन फ्लाई करा था, देखिए आप। तो ये कुछ इस तरह से हमारे कॉटेजेस, ये खड़ा है शशांक, वो है पीछे ऊंचे ऊंचे बर्फ़ वाले पहाड़, लाइन से कॉटेजेस हैं, और वो वहाँ पर है लेक सामने। चलिए अब आपको एक बार अंदर रूम का टूर भी देते हैं। हमारा ये रूम है, ये हमने कुंडी खोली और ये हम अंदर घुस गए। ये आ गई आपकी लॉबी, यहाँ पे आप शूज़ वगैरह अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ मन सो रहा है चैन की नींद, और ये कुछ इस तरह का रूम है, वहाँ एक अलमीरा है और बाथरूम है। सो गाइस ये था हमारा छोटा सा रूम, इसमें 2500 रुपये के हिसाब से पड़ा है हमें, कंट्री हो जाएगी, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है इसमें, ये अच्छी बात है, तो उसका पैसा अलग से नहीं लगेगा। वेज मिलता है या नॉन वेज कुछ नहीं मिलता। तो चलिए सेटल डाउन होते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चार्जिंग का बहुत दिक्कत है यहाँ पे, रूम में लाइट सिर्फ 11 बजे तक आती है, वो भी 8 से 11, और चार्जिंग अगर कुछ करना है तो हमें यहाँ रूम के जो जिनका ये कॉटेजेस हैं उनको देना पड़ेगा, वही चार्ज करेंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो फुली प्रिपेयर्ड होके आइए, गैजेट्स वगैरह चार्ज करके लाइए अपने साथ, पावर बैंक लाइए ज़्यादा कैपेसिटी के, ज़्यादा एमएच के, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, जो कि हम अभी झेल रहे हैं।